in 100, health in 100. Hi, welcome back to health in 100, जहां आज बर्थडे सेलिब्रेशंस हो रहे हैं. हमारे प्यारे छोटे उस्ताद को अगर कुछ पसंद है तो वो है पनीर. उसके लिए मैं कुछ नया बनाना चाहती हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहती हूँ, जिसे देख के वो कहे, बड़े उस्ताद आज तो मजा आ गया. तो चलिए बनाते हैं एक हर्ब्ड पनीर. मैं सोच रही हूँ कि घर पे ही पनीर बना के दिल और पार्सले से फ्लेवर करूँ और फ्राई की जगह पनीर को ग्रिल करूँ. हेल्थ और कॉस्ट दोनों ही सॉर्टेड. इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मिल्क को बॉईल करने के लिए चढ़ाया हुआ है. जब ये मिल्क ऑलमोस्ट बॉइलिंग में आ जाएगा, यानी कि स्काल्डिंग हॉट हो जाएगा, इसको मैं बंद कर देती हूँ. अब इस पनीर में हम डाल देते हैं ये लेमन जूस, जब तक इसमें ये कर्डलिंग नहीं हो जाती और पनीर और वेज दोनों अलग अलग नहीं हो जाते. मेरे पास है यहाँ कुछ फाइन चॉप किए हुए हर्ब्स, जिसमें है धनिया की पत्ती, इसी के साथ साथ ये पार्सले, थोड़ा सा कुटा हुआ ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, फ्रेश स्मेलिंग सोया, काफ़ी अच्छा इसका खुशबू आता है. और अब इन सब चीज़ों को इस पनीर में मैं मिला लेती हूँ. ये गर्मा गर्म पनीर में जाते ही अपना और अच्छा सा फ्लेवर लैंड करेंगे. इसको लिफ्ट कर लीजिए, अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए, फ्लैटन आउट कर लेंगे हम इसे. और इसे अब किसी हैवी चीज़ से आप दबा करके छोड़ दीजिए तकरीबन एक घंटे के लिए. आफ्टर दैट आप इसे आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दीजिएगा, ताकि ये पनीर अच्छे से सेट हो जाए. ये देखिए, मेरा पनीर रेफ्रिजरेटर के अंदर से निकल आया, कितने अच्छे से फर्मली सेट हो गया है और इसके अंदर है ढेर सारे फ्लेवर्स. नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको यहाँ पर कट कर लेती हूँ 3 slices में. इस पर लेट मी एड अ लिटिल ऑयल. तो जब तक मेरा पनीर ग्रिल होता है, इस पर बढ़िया से ग्रिल मार्क्स आते हैं, मैं इसके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी डिप बनाने वाली हूँ. मैं बना रही हूँ इसके साथ तंदूरी डिप. तो इस डिप के लिए ले रही हूँ मैं यहाँ पर ये दही, ये लेमन जूस, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल फॉर अ वेरी नाइस अर्थी फ्लेवर, पेपर, थोड़ी सी धनिया, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सॉल्ट, और हाँ अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक फूड कलर भी डाल सकते हैं इसमें, ताकि आपकी डिप का कलर बिल्कुल वैसा आ जाए जैसा कि तंदूरी मसाले का होता है. चलिए इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं. इस ग्रिल पनीर को मैं सर्व करने वाली हूँ एक सैलेड के बेड पे, और इसके ऊपर अब हम निकाल लेते हैं ये हमारा ग्रिल पनीर. दिस डिप ऑन द साइड. अपने पनीर का एक नया निराला रूप आई एम श्योर आदि को बहुत पसंद आने वाला है. आप जल्दी से देख लीजिए इसका एक रिकैप. हमने बनाया है इसे कितने के अंदर? ओनली 100 rupees के अंदर, क्योंकि 100 इज सो कूल. हर्ब्ड पनीर विद तंदूरी डिप बनाने की विधि. पनीर बनाने के लिए पैन में फुल फैट मिल्क को उबालकर नींबू का जूस डालें और दूध को कर्डल होने दें. मलमल के कपड़े में फटे हुए दूध को डालकर पानी निकाल लें. अब डालें धनिया, पार्सली, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, नमक और दिल डालकर मिक्स करें. मसलिन क्लॉथ से पानी निकालकर फ्लैट सरफेस पर रखकर पनीर को शेप दें. पनीर को 30 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करें और फिर उसे रेक्टेंगुलर शेप में काट लें और पनीर को हॉट पैन पे ग्रिल करें. तंदूरी डिप बनाने के लिए बोल में दही, नींबू का जूस, सरसों का तेल, काली मिर्च पाउडर, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल ऑर्गेनिक फूड कलर डालें और मिक्स करें. हर्ब्ड पनीर को सैलेड पर तंदूरी डिप के साथ सर्व करें. हर्ब्ड पनीर विथ तंदूरी डिप तैयार है. In 100.